राजस्थान के चुनावी रण में फुल एक्शन दिख रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रोड शो किया है। वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। वोटिंग से 4 दिन पहले राजस्थान के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। कांग्रेस ने दोबारा सत्ता मिलने पर राजस्थान में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही राज्य में जातीय जनगणना कराने और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा भी किया है। बीजेपी 17 नवंबर को ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किसने क्या वादे किए हैं। तो बता दें कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में कहा गया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लागू किया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। वहीं 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कार्डर बनाया जाएगा। वहीं सरकार ने वादा किया है जो गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है उसे 400 रुपए का कर दिया जाएगा। राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों को भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी योजना में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। इसके अलावा छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 9,827 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला और कर्मचारियों को FX स्केल भी दिया जाएगा। 100 तक जनसंख्या वाले गांव और डांडियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड को लगाया जाएगा। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे। पहले से चल रही योजनाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ये थे सरकार के कांग्रेस सरकार के वादे। इससे पहले 17 नवंबर को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान की जनता के सामने 14 प्रमुख वादे किए हैं। उनके संकल्प पत्र में कहा गया है कि किसानों के उत्थान के लिए गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके लिए MSP पर बोनस दिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों की जमीन की कुर्की की गई है उन्हें किसानों को वो जमीन वापस दिलाई जाएगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। हर थाने में महिला डेस्क खोली जाएगी। हर शहर में एंटी रूमी स्क्वाड भी बनाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें हर बच्चे के जन्म पर सरकार 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी। बालिका जब वो 6ठी कक्षा में आ जाएगी तब उसके अकाउंट में सरकार 6,000 रुपए सालाना डिपॉजिट किए जाएंगे। वहीं 9वीं कक्षा में पहुंचने पर उनके खाते में साल का 8,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। 10वीं कक्षा में आने पर 10,000 रुपए और 11वीं कक्षा में आने पर 12,000 रुपए और वहीं 12वीं कक्षा में आने पर 14,000 रुपए बालिका के खाते में जमा करवाए जाएंगे। इसके बाद व्यवसायिक कार्यों की पढ़ाई पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। लड़की जब 21 साल की हो जाएगी तब उसके खाते में 1 लाख रुपए और जमा करवाए जाएंगे। फ्री एजुकेशन की व्यवस्था होगी। KG से PG की व्यवस्था में भी फ्री की जाएगी। साथ ही 12वीं पास होने पर बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी देगी सरकार। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर घरेलू गैस सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी भी देगी सरकार। मातृ वंदन योजना के तहत प्रसूता को 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया जाएगा। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हर साल 1200 रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे ताकि वो स्कूल ड्रेस और किताबें खरीद पाएं। राज्य में हुए विभिन्न तरह के घोटालों की जांच की जाएगी और उनके लिए SIT का गठन भी किया जाएगा और जो दोषी होगा उनको दंडित भी किया जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। एम्स और IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हर संभाग में खोले जाएंगे। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल की भर्ती कराई जाएगी। रीजनल हेरिटेज सेंटर का गठन किया जाएगा। इसका बजट 800 करोड़ रुपए का होगा। इसके तहत लोकल कल्चर, साहित्य, फोक डांस से लेकर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। मानगढ़ धाम को विकसित करेंगे। डेस्टिनेशन के रूप में इसको आइकॉन बनाने पर काम करेगी सरकार।
तो अपने अपने वादों के साथ कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान के चुनावी गढ़ में जंग के लिए तैयार है। कई सारे वादे दोनों पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है तो किसके वादों पर जनता ज्यादा भरोसा जताएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।